हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सुनील गुप्ता, प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत हमने बात की थी मॉडिफाइड यूलर मेथड के बारे में, जिसमें आपको हमने उसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बताया था किस प्रकार से हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू से सॉल्व कर सकते हैं। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आपको बताएंगे पिकॉट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं, और लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 3, पिकॉट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.com पर, और साथ में आप www.sonendragupta.blogspot.in पर, इन साइट पर विजिट करने से आपको RGPB के प्रीवियस सेमेस्टर के पेपर के सोल्यूशन आपको मिलेंगे, जिस जो कि आपके पास फुली सॉल्व हैं, जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम पेपर राइटिंग वर्क हमारा होता है वो आप वहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, पिकॉट सक्सेस अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पर। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, dy/dx = f(x,y), साथ में एक आपको इनिशियल कंडीशन दी रहेगी y(x,0) = y,0, जिसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ x व्हेन द वैल्यू ऑफ x आर गिवन बिलो x = x,0, y = y,0। दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज द इनिशियल कंडीशन। अभी तक हमने यहाँ पर दो लेक्चर हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, यूलर मेथड और यूलर मॉडिफाइड मेथड। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, पिकॉट मेथड ऑफ सक्सेस अप्रोक्सीमेशन। आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में टेलर सीरीज मेथड, लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर, लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, और लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे एडम बेस्ट फोर्थ प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, और लास्ट हमारा होगा लेक्चर ग्रेफ रूट स्क्वायरिंग मेथड फॉर पॉलिनोमियल इक्वेशन। आइए अब समझते हैं कि व्हाट इज अ वर्किंग रूल ऑफ पिकॉट सक्सेस अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है। वर्किंग रूल हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पर दी हुई है dy/dx = f(x,y) given y(x,0) = y,0। यहाँ पर हम निकालेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जो कि हमारे पास होगा y1 = y0 (x0x f(x,y0dx). सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमारे पास होगा y2 = y0 (x0x f(x,y1), और थर्ड nth अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हैं yn = y0 (x0x f(x,yn-1)। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर n ले रहे हैं तो यहाँ पर yn-1 मिलेगा, यहाँ पर केवल आपके पास y की वैल्यू चेंज हो रही है फंक्शन के अंदर, इसके अलावा कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ईच अप्रोक्सीमेट गिव अ बेटर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देन द प्रिसीडिंग वन। द पिकॉट मेथड इज फेल व्हेन f(x,y) इज नॉट इंटीग्रेबल अंडर द गिवन कंडीशन। कहने का मतलब ये है, पिकॉट मेथड हमारे पास उस कंडीशन में फेल हो जाता है यदि हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे, किस प्रकार से हम पिकॉट सक्सेस अप्रोक्सीमेशन में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरी कुछ बुक्स हैं, ऑनलाइन बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मैं अभी तक 18 बुक्स पब्लिश कर चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया में। इनमें से कुछ हमारे पास बुक्स हैं, कुछ इंजीनियरिंग के बुक्स हैं हमारे पास, कुछ BCA के लिए बुक्स हैं, कुछ BSc के लिए बुक्स हैं, कुछ फार्मेसी के लिए बुक हैं, कुछ मैंने हिंदी में भी बुक्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 या इस लेक्चर से रिलेटिव अगर कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको मिल सकें, तो आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक परचेस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 बाय सोनंद गुप्ता। और ये बुक आपको ऑनलाइन परचेस करनी पड़ेगी www.dhanpatraybooks.com से। आप यहाँ पर बुक यहाँ पर अमाउंट पे कीजिएगा और आपको 4 and 5 days में आपको बुक आपके घर पर मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं वर्किंग रूल ऑफ पिकॉट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है, यूजिंग पिकॉट प्रोसेस ऑफ सक्सेस अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन सॉल्यूशन अप टू 5th अप्रोक्सीमेशन ऑफ द इक्वेशन dy/dx = f(x,y) सच दैट y = 1 when x = 0। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन हमें नहीं दी हुई है जहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी हो जबकि हमें x दिया हो। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें केवल यहाँ पर सक्सेस अप्रोक्सीमेशन निकालने विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, गिवन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज dy/dx = x+y, इस पूरे को हम यहाँ पर मानते हैं f(x,y), साथ में आपको इनिशियल कंडीशन दी है y0 = 1 और x0 = 0। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास है,
वाई वन इक्वल टू वाई जीरो इंटीग्रल एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई जीरो डी एक्स। अब वाई जीरो मेरे पास कितना है, वन है, एक्स जीरो कितना मेरे पास जीरो है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स, तो हमारे पास फंक्शन क्या कहलाएगा, एक्स प्लस वाई जीरो, वाई जीरो की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी वन। अब हमने एक्स को इंटीग्रेट करा तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और वन को हमने इंटीग्रेट किया तो हमको मिलेगा एक्स, वैल्यू पुट करेंगे तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन देखें तो वाई टू इक्वल टू हमारे पास होगा वाई जीरो इंटीग्रल एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई वन डी एक्स, तो वाई जीरो प्लस हमारे पास फंक्शन हो जाएगा एक्स प्लस वाई वन हो जाएगा, तो ये हमने एक्स प्लस वाई वन लिख दिया। वाई वन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब वन प्लस एक्स प्लस एक्स को ऐड करेंगे तो टू एक्स मिलेगा और एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा, तो हमारा फाइनल इंटीग्रल मिलेगा वन का इंटीग्रल एक्स, टू एक्स का एक्स हो जाएगा हमारे पास, देन एक्स स्क्वायर बाई टू का हो जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री। आई थर्ड अप्रोक्सीमेशन देखें हमारे पास, थर्ड एक्स अप्रोक्सीमेशन क्या है, वाई थ्री इक्वल टू मिलेगा वाई जीरो इंटीग्रल एक्स जीरो टू एक्स एक्स वाई टू, तो हमारे पास एक्स वाई टू यानी कि एक्स प्लस वाई टू हो गया। वाई टू की हमारी प्रीवियस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वन प्लस एक्स प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू बाई सिक्स होगा, यानी कि वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू बाई थ्री। तो अब हमारे पास वन एज इट इज है, वन का इंटीग्रल एक्स हो गया, टू एक्स का इंटीग्रल टू एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यू बाई थ्री हो गया, और एक्स क्यू बाई थ्री का हो गया एक्स टू दी पावर फोर अपॉन ट्वेंटी फोर। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हमारा है वाई फोर इक्वल टू वाई जीरो इंटीग्रल एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई थ्री डी एक्स, वन प्लस अब एक्स एफ ऑफ एक्स वाई थ्री को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई थ्री, और वाई थ्री की वैल्यू मेरे पास है वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाई थ्री प्लस एक्स टू दी पावर फोर अपॉन ट्वेंटी फोर। आइए इसको वैल्यू को पुट करें हम, तो जैसे इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वन टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू बाई थ्री और एक्स टू दी पावर फोर अपॉइंट ट्वेंटी फोर। तो वन हमारे पास एज इट इज है, वन का इंटीग्रल एक्स हो गया हमारे पास, टू एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई थ्री हो गया, और एक्स क्यू बाई थ्री का हो गया एक्स टू दी पावर फोर अपॉइंट ट्वेल्व, और एक्स टू दी पावर फोर अपॉइंट ट्वेंटी फोर का हो गया एक्स टू दी पावर फाइव अपॉइंट वन ट्वेंटी। चूंकि लिमिट हमारे पास जीरो से एक्स है तो हमें केवल यही वैल्यू मिलेगी। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है मेरे पास है वाई फाइव इक्वल टू वाई जीरो इंटीग्रल एक्स जीरो टू एक्स एक्स वाई फोर डी एक्स, वन तो एफ ऑफ एक्स वाई फोर को हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वाई फोर डी एक्स। अब वाई फोर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, इतनी है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यू बाई थ्री एक्स टू दी पावर फोर अपॉइंट ट्वेल्व प्लस एक्स टू दी पावर फाइव अपॉइंट वन ट्वेंटी। तो वन हमारे पास एज इट इज है, तो एक्स प्लस एक्स हमने किया टू एक्स मिला एक्स स्क्वायर मिला, अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो वन एज इट इज हमारा पास लिखा आएगा, वन का इंटीग्रल एक्स होगा, टू एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई थ्री हो जाएगा, और एक्स क्यू बाई थ्री का होगा एक्स टू दी पावर फोर अपॉइंट ट्वेल्व, एक्स टू दी पावर फोर अपॉइंट ट्वेल्व का हमारे पास हो जाएगा एक्स टू दी पावर फाइव अपॉइंट सिक्सटी, और एक्स टू दी पावर फाइव अपॉइंट वन ट्वेंटी हो जाएगा एक्स टू दी पावर सिक्स अपॉइंट सेवन ट्वेंटी। तो ये हमारे पास वो क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास केवल हमसे ये कहा गया है कि आपको पिकॉट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आपको वाई की वैल्यू निकालनी है फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल कंडीशन। आइए प्रॉब्लम नंबर सेकेंड देखते हैं जिसमें हमारे पास कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, यूज पिकॉट मेथड टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट वन। अब हमसे बोला गया कि वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट वन पर, गिवन दैट वाई इक्वल टू वन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज योर इनिशियल कंडीशन एंड आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई स्क्वायर। नाउ हमारा इस बार फंक्शन जो है वाई के टर्म हमारे पास थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा नहीं निकालेंगे, केवल दो अप्रोक्सीमेशन ही निकालेंगे। तो आपको यहाँ पिकआउट मेथड में इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके पास यदि हमारे पास फंक्शन थोड़ा टिपिकल फॉर्म में हो या थोड़ा टफ फॉर्म में हो जिसमें हमें वाई को स्पेशली ध्यान रखना है तो हमें ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन वहाँ पर नहीं निकालना है, नहीं तो हमें वहाँ पर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ सकती है। तो हमारे पास गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई स्क्वायर, थ्री एक्स प्लस वाई स्क्वायर को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई होगा। साथ में आपको इनिशियल कंडीशन दी है वाई जीरो इक्वल टू वन और एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, और साथ में आपको एक्स की वैल्यू दी है जीरो पॉइंट वन। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेरे पास क्या होगा, वाई वन इक्वल टू वाई जीरो एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई जीरो, हमने पहले से फंक्शन की फॉर्म में लिखा तो हमारा फंक्शन दिया है थ्री एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे थ्री एक्स प्लस वाई नॉट का स्क्वायर। ओके, तो वाई नॉट हमारे पास कितना है इस समय,
वन है तो हमने यहाँ पे वन रख दिया। अब 3x प्लस वन का हम इंटीग्रेशन करें तो वन हमारा एज इट इज है, 3x का इंटीग्रल 3x स्क्वायर बाय 2 होगा और वन का इंटीग्रल x होगा, तो हमको मिलेगा वन प्लस एक्स 3x स्क्वायर बाय 2। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मेरे पास है वाई टू इक्वल टू वाई जीरो इंटीगल एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई वन। अब एक्स वाई वन को हम यहाँ पर लिख देंगे वाई जीरो इंटीगल एक्स जीरो टू एक्स एक्स 3x प्लस वाई वन, तो हमने यहाँ पर 3x प्लस वाई वन स्क्वायर लिखा। अब वाई वन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये पूरी वैल्यू, तो इस वाई वन का मुझे यहाँ करना पड़ेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे जैसे वाई हमारा इंक्रीज होता जाता है तो हमारी टर्म्स जो होती है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको यहाँ देखना है कि आप कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करें। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर नाइन एक्स टू दी पावर फोर अपॉइंट फोर टू एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। अब इस टर्म को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, वन थ्री एक्स प्लस टू एक्स आपको फाइव एक्स मिल जाएगा, देन एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर थ्री एक्स क्यू। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ, जो कि हमारा पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया वन प्लस फाइव एक्स देन फोर एक्स स्क्वायर थ्री एक्स क्यू नाइन एक्स टू दी पावर फोर अपॉन फोर। अब यहाँ पर हमारा वन एज इज रहेगा, वन का इंटीगल एक्स हो जाएगा, फाइव एक्स का फाइव एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर का फोर एक्स क्यू बाय थ्री हो जाएगा, थ्री एक्स क्यू का यहाँ पर होगा थ्री एक्स टू दी पावर फोर अपॉन फोर और नाइन एक्स टू दी पावर फोर अपॉन फोर का होगा नाइन एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन ट्वेंटी। अब ये मेरे पास अगर मैं इसके आगे अगर मैं अप्रोक्सीमेशन निकालना तो मुझे वहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टफ होगा या हमारे पास लेंथी हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसी कंडीशन में जो हमारा वाई टू का जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है, अब यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू 0.1 रखेंगे। तो पुटिंग एक्स इक्वल टू 0.1 इन इक्वेशन नंबर टू, तो आपके पास होगा वन प्लस 0.1 फाइव 0.1 का स्क्वायर एंड फोर 0.1 का क्यू एंड सो ऑन। अब हम इस वैल्यू को हम कैलसी के थ्रू आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं कि हम वैल्यू हम कैलसी के अंदर किस प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा वन प्लस 0.1 प्लस हमने रैशनल वैल्यू को ओपन किया फाइव देन ब्रैकेट ओपन 0.1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, इसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड में लिखेंगे टू प्लस फिर रैशनल वैल्यू को ओपन करेंगे हमारे पास नेक्स्ट है फोर ब्रैकेट ओपन किया 0.1 की पावर फोर देन हमारे पास ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर थ्री नेक्स्ट इसके बाद हमारी वैल्यू है प्लस रैशनल वैल्यू हमने ओपन करी थ्री देन ब्रैकेट ओपन 0.1 की पावर फोर देन ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइड में फोर, क्योंकि अब हमारी वैल्यू इसके आगे लिखेंगे तो कैलसी हमारा रीड नहीं करेगा, पहले इसको इक्वल टू दबा देते हैं देन प्लस रैशनल वैल्यू नाइन ब्रैकेट ओपन 0.1 का पावर फाइव सॉरी वन का पावर फाइव पावर फाइव देन ब्रैकेट ओपन हमने क्लोज किया डिवाइड में हमने डाला ट्वेंटी, तो यहाँ पर हमने 20 लिखा इक्वल टू प्रेस किया तो आपको मिला 1.21521, तो हमारे पास वैल्यू उसी के अप्रोक्सीमेट हमें मिल रही है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे बाय टू की वैल्यू मिली जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर थर्ड क्या होगा। तो प्रॉब्लम नंबर थर्ड हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स इक्वल टू 0.1 बाई पिकॉट मैथड गिवन दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स विथ द इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1। जैसे कि मैंने आपको नोट में बताया था कि पिकॉट सक्सेस अप्रोक्सीमेशन में हम हर फंक्शन को इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, खासतौर से उन फंक्शन का जो कि हमारा रैशनल फॉर्म में चल रहा है। जैसे हमारा ये फंक्शन जो है रैशनल फॉर्म में चल रहा है, अगर ऐसे फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे तो आप केवल एक अप्रोक्सीमेशन निकाल के भी वहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का यदि हमारे पास आपको डाउट आता है
तो आप क्वेश्चन के लेक्चर बाद में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप मोर सॉल्व प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की बुक परचेस कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन धनपतरायबुक्स.com से मिलेगी। और अगर आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। आइए सॉल्व करें आगे हम क्वेश्चन। इनिशियल कंडीशन दी है y0 = 1 और x0 = 0। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास है y1 = y0 इंटीग्रल x0 to x f(x)y0 dx। अब फंक्शन हमारे पास क्या दिया, y-x / y+x दिया हुआ है, तो हमने उसको लिख दिया y0 - x / y0+x। अब y0 की वैल्यू कितनी है, 1 दे रखी है, y0 की वैल्यू यहाँ पे 1 दे, 1 - x / 1+x। अब क्या है कि जब भी अगर हमें इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जैसा बनाना होता है। जैसे हमारे पास लिखा है 1+x, तो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 2 - 1+x। क्या लिख देंगे, 2 - 1+x। तो 2 के अपॉन में 1+x रहेगा और 1+x के अपॉन में 1+x रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अब जैसे हम 2/(1+x) को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 log 1+x। क्या मिलेगा, 2 log 1+x, और 1 का इंटीग्रेशन x होगा। जैसे ही हम अपर लिमिट रखेंगे तो हमारे को एज इट इज मिलेगा, लेकिन लोअर लिमिट रखने पर हमारा होगा 2 log 1+0 और 1+0। तो ऐसी कंडीशन में हमको मिलेगा 2 log 1+x - x। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो हमको मिलेगा 1 + 2 log 1 + 0.1 - 0.1। अब log 1.01 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, दिस इज द 2 0.09531 - 0.1। तो ओवरऑल आपके पास सोल्यूशन मान लेगा 1.0906। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में देखा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमने कुल मिला के 5 या 6 प्रॉब्लम्स आपको दे रखे हैं विद आंसर। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, और इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है या सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप मुझसे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक से, जिसमें आप और भी सॉल्व प्रॉब्लम देख सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन प्राप्त होगी www.dhanpatraybooks.com से। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई